अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला नवीद गोंदल। माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ SP21BSC032। सो टुडे माय टॉपिक इज़ सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब पैदा हुए 1817 इन दिल्ली। ही वॉज़ फ्रॉम अ वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। ही रिसीव्ड वेरी हाई एजुकेशन। ही वॉज स्किल्ड इन पर्शियन अरेबिक मैथमेटिक्स एंड मेडिसन। उन्होंने वो काफ़ी अर्सा जज भी रहे अपनी ज़िंदगी में ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ही वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश एजुकेशन वाले सिस्टम को अडॉप्ट करें और वो उनकी तालीम हासिल करें। 1864 में वो अलीगढ़ ट्रांसफ़र हुए और 1876 में ही रिटायर्ड एंड ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898। ये उनकी थी एक ब्रीफ लाइफ के बारे में, एक छोटा सा मुआयना हमने किया। अब हम बात करेंगे इस बिलीफ अबाउट मुस्लिम्स। तो वो बेसिकली वो ये देख रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो ट्रीट हो रहे थे एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनके एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिस वजह से वो बिल्कुल जो है ना नीचे, इनकी मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल नीचे गिरती जा रही थी। वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करें, उनके सिस्टम में एंटर हों, ताकि वो जो हैं तालीम हासिल करके, एजुकेशन ब्रिटिश वाले एजुकेशन हासिल करके और आप जो है गवर्नमेंट में आगे नौकरियां वगैरह हासिल कर सकें। तो वाई ही इनक्रेजेस वेस्टर्न एजुकेशन। तो कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपनी इस मुहिम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि हिंदूज़ जो हैं वो उन्होंने जब देखा कि हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदूज़ ने जो है वो ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेना शुरू कर दिए। उन्होंने उनकी एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको उसको कबूल करना शुरू कर दिया, जिसका जो है रिज़ल्ट ये निकला कि हिंदूज़ जो थे वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो बन रहे थे, वो ज़्यादा जो है हमसे एजुकेटेड हो रहे थे, वो वेल एजुकेटेड। ठीक है, इसी तरह आप जैसे कि देखते हैं 1871 में 711 हिंदूज़ जो थे वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जबकि सिर्फ 92 मुस्लिम्स जो थे वो एज अ एम्प्लॉय थे इन गवर्नमेंट। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ हिज एजुकेशनल रिफॉर्म्स के, उन्होंने कैसे कैसे जो है स्टेप्स लेने शुरू किए। तो सबसे पहले उन्होंने तबय्युनुल कलाम एक उन्होंने आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में इतना फ़र्क नहीं। क्रिश्चियनिटी जो कि ब्रिटिशर्स का दीन था, उसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम के इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने एक जर्नल लिखा, तहजीबुल अखलाक, ठीक है, जिस जर्नल में उन्होंने जो है बाकी जो मुसलमान थे जो उनकी इस राय से जो है मुत्तफिक थे कि हमें एजुकेशन सिस्टम को, इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, वो इस जर्नल लिखने के बाद उनके साथ आए। 1859 में उनका ये फर्स्ट स्टेप था कि उन्होंने 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने एक मुरादाबाद में एक स्कूल खोला। ये दोनों तहजीबुल अखलाक जर्नल लिखने के बाद जो हैं काफ़ी उलेमा सर सैयद अहमद ख़ान साहब के अगेंस्ट भी हुए थे, लेकिन जो है वो रुके नहीं और उन्होंने 1859 में एक स्कूल खोला मुरादाबाद में। उसके बाद उन्होंने 1863 में ही फाउंडेड अ साइंटिफिक सोसाइटी एट गाज़ीपुर। जिस साइंटिफिक सोसाइटी का काम ये था कि वो जो उस वक़्त की साइंटिफिक जो है इन्वेंशंस थी, या आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग्स थी, वो उस वक़्त मार्केट में जो थी अरेबिक, पर्शियन या इंग्लिश में अवेलेबल थी, जो कि मुसलमानों को रीड करने बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए इस सोसाइटी का ये काम था कि उस सोसाइटी ने 1863 में जब डेवलप हुई, उसने ये सारी साइंटिफिक राइटिंग्स और ये सब कुछ इन्होंने इसको उर्दू में कन्वर्ट किया ताकि वो उसको मुसलमान भी उससे नॉलेज हासिल कर सकें। 1864 में उन्होंने गाज़ीपुर में एक और स्कूल खोला और उसके कुछ अरसे बाद उनकी ट्रांसफ़र अलीगढ़ हो गई। अलीगढ़ जाते साथ उन्होंने 2 साल बाद एक जर्नल अलीगढ़ में शुरू किया, जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैज़ेट। कुछ अरसा अलीगढ़ में काम करने के बाद 1869 में ही ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड टू गेट टू नो अबाउट देयर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो उनके एजुकेशन से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, उधर के ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के एजुकेशन सिस्टम के जो एजुकेशन सिस्टम था उनके से वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे। वो चाहते थे कि हमारा भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो, अगर उस जैसे नहीं तो कम से कम उसे कुछ करीब करीब ऐसा जैसा एजुकेशन सिस्टम मैं भी मुसलमानों को प्रोवाइड कर सकूं। तो
1869 में उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, उस कुछ अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा, और कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक कमेटी सेटअप की जिसने ऑल ओवर द कंट्री जो है उसने फ़ंड रेज किए, और जो है एक उन्होंने फ़ंड रेज इसलिए किए गए ताकि वो एक मुस्लिम स्कूल बना सकें। तो 24 मई यानी कि 24 मई 1875 को उन्होंने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। उस जो फंड्स उन्होंने इकट्ठे किए थे उस कुछ के कुछ अरसे बाद ही वो स्कूल जो है वो कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। उस कॉलेज में जो है सारी किस्म की वेस्टर्न इंडियन और इस्लामिक टीचिंग्स थी, बहुत हायर एजुकेशन है, बहुत हायर जो है सिलेबस था जो कि वो देख के आए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। और इस स्कूल कॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा मैनी ऑफ द फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले थे, जैसे कि जो हैं लियाकत अली खान साहब और अयूब खान, ठीक है। इन 1886 जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस सेटअप की जिसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का काम ये था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी जो हैं मुस्लिम मुल्क के जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं राइटर्स आए, शायर आए और ऑरेटर्स आए, और जिसमें जो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था टू रेज़ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड अमंग्स मुस्लिम, ठीक है, कोर्स को बेहतर किया जाए, और इसका जो क्या कहते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसका जो स्टेटस था उसको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। और उसके कुछ अरसे बाद फिर ये सारा उनका अलीगढ़ मूवमेंट थी इनकी, जो बेसिकली फिर उसके कुछ अरसे बाद इन 1898, ठीक है, ही डाइड। और 1920 में इसी अलीगढ़ जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसको कन्वर्ट कर दिया गया इन 1920 यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। तो ये था एक ब्रीफ जो है जिसे आप कह सकते हैं एक प्रेजेंटेशन अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान, और उन्होंने कैसे अपनी एजुकेशन सिस्टम प्रमोट किया बिटवीन मुस्लिम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, God bless you, Allah Hafiz.